गाइस फाइनली हम लोग का इवनिंग वॉकिंग ट्रेल हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोग पैदल चल के। तो अभी चल रहे रूम पे, थक गए बिकॉज सुबह से उठे हैं। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर सुपर एक्साइटिंग व्लॉग्स। और हम लोग हैं कपिल एक्सप्लोरर और मैं और लीना आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग्स कंटेंट लाते हैं। यदि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो ये वाला एपिसोड, ये वाला सीरीज़ में, आपको पता होगा कि हम लोग अभी है वायनाड में और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वायनाड सिटी को। बिल्कुल सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, सडन प्लान था, और उसी बीच अभी हम लोग मज़ा ले लें हमारे बालकनी में बैठ के, क्योंकि आप देख पा रहे हो सामने है बिल्कुल माउंटेन। और अभी बजे है शाम के 6 बजे और ठंडा ठंडा हवा दे रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। इट्स लुकिंग टेरिफिक। वहाँ पे सन आपका सेट हो रहा है, माउंटेन्स है सामने, नीलगिरी माउंटेन्स, और बहुत ही खूबसूरत मज़ा आ रहा है। और ये है हमारा जॉइंट विला, जॉइंट विला मतलब उसमें है वॉशरूम और इसमें है हमारा रूम, और साथ में है बहुत ही खूबसूरत खाना। इसमें है ऑनियन पकोड़ा और इसमें है गोभी पकोड़ा। हम लोगों ने बोला था कि थोड़ा शाम को बैठे हैं, इतना अच्छा नज़ारा देखते देखते, कॉफ़ी पीते पीते थोड़ा सा कुछ खाएंगे चटपटा। तो चलिए, तो फिर देखते हैं क्या कैसे दिया है वो लोगों ने। लीना आ रही है बिकॉज लीना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। हम लोग गए थे ट्रायल के लिए, वॉकिंग ट्रायल इवनिंग को, आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी तरह के कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोगों को किस तरह से पसंद है। लीना आती है तो लीना ही खाने के बारे में सब बात करती है, ठीक है। मुझे भूख लगा है, लीना जल्दी आ जाओ। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से बैठ के, कैसे बताओ। ये देखो, वेरी नाइस यार, ब्यूटीफुल। ये पूरा ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये जगह के बाद पूरा आपका फॉरेस्ट है। मैंने लाइफ में कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग इन माय एंटायर लाइफ। और किस तरह से ये बिल्डिंग बने हैं वो भी देखो। आज हमें ये भी पता चल जाएगा कि पकोड़े किस तरह से, इन लोग केरला के पकोड़े किस तरह से होते हैं, बिकॉज हर जगह के फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, आप लोगों को पता ही है। केरला इसलिए बेसिकली कोकोनट ऑयल में ज़्यादा बनाते हैं, दे यूज़ कोकोनट ऑयल, बट आई डोंट नो। मैं फर्स्ट टाइम केरला पे रुकूंगा। एक्चुअली बहुत पहले मैंने मुन्नार पे रुका था, बट वी हैड ए इंडियन प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड ओनली, सो यही बात है। तो देखते हैं अभी इन लोग किस तरह से करते हैं। फाइनली लीना इज हियर, तो लीना अभी तो आया है। ये क्या है, ये ऑनियन है क्या है? This is, I think so, something. Shall we open this? Yeah. Okay, this one is onion. Onion. This is gobi. This one is gobi. चलो अभी smell करो, एक बार taste करो कैसा है। Shall you want this? Yeah, this is also nice. I think this is chutney if I'm not wrong. Evening में बड़ा ही खूबसूरत view है ना लीना? Very nice. Very nice here. I have never seen so such a beauty. हाँ, हल्का हल्का fog भी आ रहा है। Always it is foggy ना here. हाँ, और अभी शाम के time बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो अभी taste करके देखो कैसा है। Let's try. Okay, I will have this. थोड़ा सा dip करूँगा। ये बेसन का है, ये गोभी आई गेस, ये ऑनियन, ये गोभी, छोटा छोटा गोभी है, एकदम छोटा छोटा गोभी। सी दैट लुक्स लाइक अ रेंज ऑफ माउंटेन ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं भी एक बार इसको ट्राई करता हूँ। Onion tastes better. It's good. Nice. Very nice. This sauce is very good. I think ketchup है। Best part है कि इन लोगों ने coconut oil में नहीं बनाया।
they have made in a normal. Last time in Kerala, did you try all this? Last time in Kerala, I have tried biryani. It was made of coconut oil, na? That's very healthy. Not in healthy, bahut hi acha hai, guys. It's too good. So guys, finally ho gaya. तो जाते जाते एज यूजुअल रिव्यू बोल देता हूँ. तो इतना खूबसूरत लुक है, व्यू है, और यहाँ पे इतना खूबसूरत पकोड़ा, क्या बोलूँ, 9 out of 10 दोनों का ही बहुत ही खूबसूरत था, मज़ा आ गया. और इतना अच्छा व्यू के साथ इतना अच्छा पकोड़ा, सुपर टेरिफिक, दोनों ही 9 out of 10 बहुत ही बेहतरीन. तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी देर और बैठता हूँ, इस नज़ारा का मज़ा लेता हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा फील लेना है. एक दिन के लिए आया हूँ, आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, अच्छा लगता है इस तरह से. आप हमेशा जब भी लेने का ट्राई करोगे रहने का, तो इस तरह का जगह लेना जहाँ पे आप सुकून से रह सको. बिल्कुल सामने पहाड़ है, सामने जंगल है, कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं है, टेरिफिक. कैमरा में ये खूबसूरत, ये ब्यूटी नहीं आ पा रहा है, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, बट ये जो ब्यूटी है अमेजिंग.